चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। कभी बेटी पढ़ाओ, कभी बेटी बचाओ, कभी बेटी के साथ कुछ करो, ये सब जो है एक जवानी जमा खर्च है और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अरे बस भाषण में कहा है कि हमने 4.5 लाख रोजगार दे दिए, बस हमें तो लगा भाषण में ही है। प्राइवेट को बढ़ावा दे रखा सरकार ने, प्राइवेट में जो पैसे वाला है शिक्षा खरीद लो, गरीब जो है अपना गुरु बट्टो। तो हमें संघर्ष करने की जरूरत, हम समाजवादी लोग आपको गले लगाने हैं। परिवर्तन की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काफी मदद की। कितना विकास हो रहा है, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक परिवर्तन किया है। कि मैं संविधान के साथ खड़ा हूँ। नमस्कार साथियों, चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। आज हम शामली विधानसभा सीट के एलम गांव में पहुंचे हैं और हमारे साथ यहां पर सर्व समाज के लोग हैं, दलित समाज भी है, किसान समाज भी है, अलग अलग तरह से काम धंधों से जुड़े हुए लोग हैं। और आज हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं उनको लेकर हम चर्चा करना चाहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और चुनाव के क्या हाल है उत्तर प्रदेश में ये जानने की हम कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है 2022 में, आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या माहौल बनने वाला है इस बार? उत्तर प्रदेश में भाजपा की शायद एक तरफा हार होने वाली है, उसमें काफ़ी मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ। 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, आज तक भी एक उपलब्धि बता दो, जिस राज्य में 24 करोड़ जनसंख्या में 15 करोड़ गरीब रहते हों तो क्या वो विकास है? लेकिन बड़े दावे किए जा रहे हैं कि मोदी जी ने सुबह से शाम तक झूठ बोलने से अलग कोई काम नहीं है। सुबह से शाम तक झूठ बोलने से अलग कोई काम ही नहीं है। कभी बेटी पढ़ाओ, कभी बेटी बचाओ, कभी बेटी के साथ कुछ करो, ये सब जो है एक जवानी जमा खर्च है और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये नया भारत, नया उत्तर प्रदेश, आज तक मुझे बता दो क्या हो गया नया भारत, नया उत्तर प्रदेश, क्या कर दिया था नया? एक नई बीमारी तो जरूर आ गई इनके शासनकाल में, जिसे कोरोना कहें। जहां एक तरफ दलित समाज से बहुत सारे वादे किए गए थे, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने उनके पैर धोए थे मथुरा में, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है दलित समाज को लेकर, एट्रोसिटी हुई है जहाँ पर, जैसे मैं उदाहरण दूँ हाथरस में जो हाथरस कांड हुआ था, क्या ये सरकार सुरक्षा प्रदान कर पाई है दलितों को या नहीं? देखो, कोई खास सुरक्षा दे सके, यहाँ तो सुरक्षित तब है जब हमें रोजगार मिल जाएगा। ये बच्चे पढ़ा रहे, लिखा रहे, लिखे हैं जो, न रोजगार मिल जाएगा। आज तक पहली तो बात रोजगार छिन गए, रोजगार मिल जाएगा। 31 तारीख को जो है रिपोर्ट आई, मतलब पूरे जो है नी भारत में जो है नी 31,000 केस रेप के हैं, उन मतलब 16,000 यूपी के हैं, केली के। कौन सा राम राज है भाई? ये तो कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म कर दी है, ये गुंडागर्दी तो खत्म, या तो यही तो होगी गुंडागर्दी खत्म। 27% अपराधी में बता बढ़ गया, गुंडे भी जो है, गुंडे जो है इन्हीं के ही हैं, इनके साथ हैं। जिस दिन इनकी सरकार खत्म हो जाएगी, गुंडे फेरा सड़क पा जाएंगे, फिर दूसरी सरकार को बदनाम करेंगे। वो मोदी कह रहा था उस दिन वहां कट्टा लहराते थे गुंडे, जब गुंडे थारी गाड़ी में बैठे, कट्टा कौन ले रहा है? अब तुम बैठो बैठो खारे जीप जा, फिर कट्टा लहराने की जरूरत ही नहीं। बच्चे बहुत दलित समाज में बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए हैं पिछले दौर के हिसाब से, तो उनके लिए नौकरियां क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जी ने भी वादा किया था 2 करोड़ नौकरी, एक साल में प्राइवेट करके पे चल रहे, नौकरी हो रहे हैं कहां जाएंगे? नौकरी जो इनकी लग रही है उनसे लग रहे हैं, जो बैंक कर्मचारी से हड़ताल कर रहे हैं, बैंक प्राइवेट को दे दिए, मैं हड़ताल पर बैठे, हड़ताल बजा तो उनका 8 बजे जाकर थे वहाँ छात्रा में टी का वो जो है टेस्ट जो है वो लीक हो गया, लीक इनके लोगों ने करा, बाद में वहाँ लखनऊ गए उनका 8 बजा दिए। एसआई का भी लीक किया, ऐसा ही का मुझे खुली रिश्वत जा रही। अभी चुनाव से पहले कई घोषणा हुई, यूपी पुलिस की ये भर्ती की घोषणा हुई, तो ये क्या है कि चुनाव के समय क्यों? चुनाव तो नारा के काम है, इतना शिलान्यास इतनी बौछार कर दी, जब 5 साल तक आते हैं ये जो जितने शिलान्यास करते हैं, आज में धरातल पर होती, धरातल पर तो इनका कुछ नहीं है, धरातल पर तो इनका शिलान्यास और झूठ बोलना और होर्डिंग लगाना, रातलपन की ये चीज़ तनारा कुछ भी नहीं है। अंकित जी ये बताइए कि रोजगार की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? रोजगार की स्थिति बिल्कुल जीरो है जी, ऐसी कोई भर्ती नहीं आती जो उनसे कोर्ट में ना जाती हो, UPSI की देगा वो कोर्ट में पहुंच जा, टीचर का देन जाओ वो पेपर ही ले ला हाथ में, मैंने जो है कम से कम 3 साल हो गई, 3 साल तक कोई टीचर की वैकेंसी नहीं आई, कम से कम 6 बार मैंने टेट क्वालिफाई कर रखा, दोनों जूनियर भी और प्राइमरी भी,
कुछ मिल रही है वैकेंसी, कुछ भी नहीं मिल रही। अरे बस भाषण में कहवा कि हमने 4.5 लाख रोजगार दे दिए, बस हमें तो लगा भाषण में ही है, हमारे आगे कुताई नहीं है कहीं भी, या फिर ऐसे आए हो गए हमारी आँख मिचरी हो गए एकदम निकट के गए, हमें दिखाई नहीं दिए कहीं भी। अरे चलो इससे आइडिया लगा लो, श्रमिक कार्ड बने, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएटेड हो, 20 लाख के उसमें नाम अंकित कैसे हो गए? जो रोजगार मिल रहा ग्रेजुएशन की पोस्ट ग्रेजुएशन की हालत है कि उस श्रमिक कार्ड में अपने नाम लिख रहे हो 500 रुपये महीना लेने के खतर, यह स्थिति है। 5 साल हो गए सरकार को, क्या आपके बच्चों के लिए जो एजुकेशन का जो मामला है, जो पढ़ाई लिखाई का मामला है, कुछ कॉलेज बने हो, कुछ नए यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई हो? ये ठप हो गए, स्कूलों मास्टरों की इतनी भारी कमी है, बहुत ज्यादा संस्थान ये खत्म लग रहे हैं और जो बन रहे हैं भाई। प्राइवेट को बढ़ावा दे रखा सरकार ने, प्राइवेट में जो पैसे वाला है शिक्षा खरीद लो, गरीब जो है अपना घरू बट्टो अपना मजदूरी करो या भूखे मरो। और देखो ना किसान जो है मजदूर तो मजदूर, हमेशा ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर वर्ग जो है किसान जुड़ा हुआ है पहले से ही, किसान का मजदूर का चोली दामन का साथ है। जब इन्होंने किसान ही बिल्कुल तबाह कर दिया 5 साल में, अब इन्होंने 25 रुपये गन्ने बढ़ाए, उसमें भी बहुत बड़ा खेल है। डाई का कट्टा 1200 का, ये तो 2400 का हो गया था 2200 का, इन्होंने सब्सिडी दे दी चुनाव की वजह से। और नहीं चुनाव हो तो ही डाई का कट्टा 2400 पे जाना है, एनपी का 2200 पे, यूरिया का 1600 पे, पूरी सब्सिडी ठाम गई। डब्ल्यूटीए का दबाव में डंकल प्रस्ताव जो क्लियर हो रहा है उसके दबाव में जो है पूरी सब्सिडी उठानी है। गन्ने में मोदी सरकार ने पर्दे पीछे ऐसा खेल किया, किसानों को पता ही नहीं है। 5 साल 7 साल पहले जो गन्ने की MSP जारी होती वो 7% रिकवरी पर होती, 255 रुपये थी, इन्होंने अब 295 करी, तो लेकिन 295 10% रिकवरी भी कर दी, किसानों को पता ही नहीं। एक रिकवरी का हो गया 20 रुपये, जो इनके वैज्ञानिक बताए एक रिकवरी में 20 रुपये बढ़ने, तो उस हिसाब से जो इन्हें 10% पर करी या रिकवरी आ रही 11.5%, तो किसान की MSP जो है 55 और 60 कितनी होनी चाहिए थी, है 115 होनी चाहिए थी, है इन्होंने कर दी 95, 20 रुपये किसान के और खा गए गन्ने के MSP पर भी, किसी को पता नहीं। भव्य राम मंदिर बन रहा है तो क्या आपको लगता है? हमारे यहाँ एक मंदिर है शिव जी का मंदिर है, उस पर थोड़ा विवाद चल रहा था, उसकी हमने कमेटी रजिस्टर्ड करानी सोची, जो तहसीलदार है 10,000 रुपये रिश्वत के साइन करने के लिए। वैसे तो भाजपा वाले मंदिर ही थे इसी बन रहे, वैसे मंदिर के नाम पर लूट मचवा रहे, गांव के मंदिर में तो कोई जाता नहीं, अयोध्या चले जाएगा, कितने आदमी जा सके अयोध्या, गांव के तो गांव में नहीं जा रहे भाई, मंदिर का देख रहे जो है कमेटी तो करे, उसमें भी जो है भ्रष्टाचार फैला रहे, 10,000 इन्हें ले लिए और 20,000 उन्हें जो वहां से सहारनपुर बैठा है उसने ले लिए, जब तो जाके मंदिर का रजिस्ट्रेशन हुआ। इतना जो है अच्छी सरकार है, भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं इसमें। हम आज शामली विधानसभा सीट के एलम गांव में थे और हमारे साथ अलग अलग समाज से मजदूर किसान सब तरह के लोग थे, जहां हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर चर्चा की। लोगों का मानना है कि इस बार बदलाव चाहते हैं, वो भाजपा सरकार से बहुत ही त्रस्त है, बहुत ही पीड़ा में है, क्योंकि उन लोगों ने अपने वादे पूरे नहीं किए जनता से जो वादे किए थे। उत्तर प्रदेश में चुनावी खबरें जानने के लिए जुड़े रहे चलचित्र अभियान से, धन्यवाद। Thank you.